जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि हमने कामाख्या त्रिपुर सुंदरी यौवन शक्ति डाली, हाजी मस्तान डाली, जिन डाली, क्या बोलते हैं, श्वेतार्थ परी, करिश्मा परी, सबकी सिद्धियों के बहुत अच्छे से सबके पास पहुँच चुकी है। और सबसे खुशी की बात, और भी लोगों ने जो काम करा है वो भी सबको, सब मंडे मंगलवार तक सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, आज हमने देखे, आप देख रहे होंगे, आज हमने नीला कलर पहना हुआ है। नीले कलर का कुछ मतलब है, क्योंकि हम जब भी कोई शक्तियों को सिद्ध या हासिल करना चाहते हैं उसको स्वरूप लेना पड़ता है। परी ये सब तो बहुत है, किसी को चाहिए कि कितने लोग सोचते कुछ हिंदू धर्म का कुछ हमें दीजिए। तो मैंने कल बहुत वो किया, रात को सोचा तो नीलांजन यक्षिणी ऐसी होती है जो एकदम बहुत ही सुंदर नीले वस्त्र में आती हैं, आँखें बहुत नीली नीली होती हैं। और ये रात को 12 बजे नील पर्वत, जो कामाख्या की नील पर्वत पे जो नीले नीले फूल होते हैं, वहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है। नीलांजन यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो इंसान के हर सुख दुख हर तरह के साथी बनती है। उसकी हर इच्छा उसकी इच्छा होती है, हर तरह की इच्छा पूरी करती है, उसको बिल्कुल भी नहीं डराती है। जब वो आती हैं तो एक अलग सी खुशबू, मतलब एक अलग सी मोगरे की धीमी 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 खुशबू आती है, एक ऐसी खुशबू जो हमें अपने आप मदमूत कर देती है। मतलब उसको एक आँख भर के देखना अपने में बड़ी बात होती है, मतलब इतनी सुंदर रहती है। इनको सिद्ध करने के बाद आदमी एक अलग सी खूबसूरती पाता है, अलग सा ताज पाता है। मतलब ये जिसके पास रहती है उसको राजयोग दिलाती हैं, राजेश्वरी योग, क्योंकि है ना वहाँ का, मतलब कहते हैं ना माँ का स्वरूप ही है भुवनेश्वरी माँ। मतलब वहाँ पे आप जाएंगे नीलांजन पर्वत पे, भुवनेश्वरी माँ का राज है। भुवनेश्वरी मतलब जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, उसको ये नीलांजन यक्षिणी उनकी सारे काम सिद्ध करके देती है। इन्हें अगर आपको सिद्ध करना है तो बहुत अच्छी बात है, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करके, माँ कामाख्या का ध्यान करके, भुवनेश्वरी माँ का ह्रीम मंत्र का आपको 5.25 लाख जप करना है। उसके बाद नीलांजन यक्षिणी का ध्यान करके उसको आवाहन करना है। उसके बाद देखिए ये सामने से आएंगी, इनका कम से कम 35 दिन का प्रोसीजर रहता है। हाँ, अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम आपको 1 वीक में इसे सिद्ध करके आप तक पहुँचाएँगे। और आपको खुद करना है तो बेगर गुरु के सहारे मत कीजिएगा, क्योंकि कामाख्या की त्रिपुर सुंदरी का एक भुवनेश्वरी माँ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप देखिएगा, भले नील पर्वत पे है लेकिन वहाँ मंदिर में जाने में भी डर लगता है। तो ये सिद्धि बहुत अच्छी है, आप खुद भी कर सकते हैं, अभी का वक्त अच्छा है अभी भी कर सकते हैं, और गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, जो गुप्त नवरात्रि संक्रांति के बाद आने वाली है। और हमसे करवाना है तो अगर अभी भी करेंगे तो 1 वीक में आपको सिद्धि करके मिल जाएगी। और सिद्धि करने के बाद जैसे ही आप सिद्धि चालोगी वैसे ही आपको डेली वहाँ पे एक महसूस होगा कि कोई आपके पास आ रहा है। वो सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी यक्षिणी है, नीलांजन यक्षिणी सिद्धि, जो इस दुनिया के सारे सुखों का उपभोग कराने के लिए आपके लिए यहाँ आई है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।